अब जहरीली शराब बेचने वालों पर योगी सरकार का कहर बरसने वाला है, या फिर यूं कहें कि दोषियों की शामत आने वाली है। दरअसल योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें राज्य के आबकारी कानून में संशोधन करने का फैसला किया गया है, जिसके चलते अवैध शराब पीने से मौत होने पर दोषियों को मौत की सजा हो सकती है। जिसका मतलब है, जो भी जहरीली शराब बनाने में पाया गया तो उसे उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा हो सकती है। अवैध रूप से जहरीली शराब बनाने और बेचने के कारोबार पर रोक लगाने के लिए इस कानून में कई नए प्रावधानों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आबकारी कानून के तहत लगने वाले जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है। सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर काफी सख्त कानून बनाने जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, पर कोई अड़चन न आए इसे पास कराने में इसे कानून के जानकारों की राय ली जा रही है। अगर योगी सरकार इस प्रस्ताव को पास कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर जहरीली शराब से मौत होने पर दोषियों को न सिर्फ उम्र कैद बल्कि फांसी की सजा भी हो सकती है। इस तरह के कड़े कानून से योगी सरकार जहरीली शराब पर रोक लगा पाने में कामयाब हो पाएगी, फिलहाल ये देखना बाकी है। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।